जय श्री कृष्णा दोस्तों, बियसरा फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, सावन का महीना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है, भगवान शंकर का सबसे प्रिय माना जाता है। अगर इस महीने में कोई भी व्यक्ति अपनी मनोकामना के लिए, किसी भी मनोकामना के लिए, चाहे वो धन की हो, संतान की हो, पुत्र की हो, या किसी भी परेशानी के लिए अगर एक नियम को अपने जीवन में अपना लेता है, तो यकीन मानिए सावन मास में ही उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। दोस्तों, इसमें से आप कोई भी एक नियम अपना सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सावन के महीने में किया जाने वाला एक ऐसा संकल्पित नियम बता रहे हैं, अगर आप अपना लेते हैं तो आपकी कोई भी मनोकामना है वो अवश्य पूरी होगी, और भगवान शंकर की कृपा हुई तो आपको सावन मास में ही आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें, बगल में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों, इस उपाय को आप पूरे विश्वास श्रद्धा के साथ करें, क्योंकि जब भी अगर आपके मन में थोड़ी सी भी शंका होती है तो उस उपाय में, उस नियम में आपको सफलता नहीं मिलती। इसीलिए आप पूरे विश्वास से इस उपाय को करेंगे तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों, इसको सबसे पहले देखिए, आपको संकल्प लेना है सावन महीने में कि आप इस उपाय को चाहे 11 दिन करें, चाहे 21 दिन करें, या 25 दिन करें, चाहे पूरे सावन के महीने में करें। सोमवार के दिन तो आपको अवश्य करना है, यानी सारे सोमवार तो आपको अवश्य करना है, उसके अलावा भी आप नियमित रूप से 11 दिन 21 दिन तो अवश्य करें। साथ ही दोस्तों देखिए, सबसे पहले संकल्प करें। मैं आपको देखिए इसमें दो तीन चीज़ें ऐसी बताने वाली हूँ, इनमें से आप कोई भी एक नियम कर सकते हैं। दोस्तों, आपने जितने दिन का भी संकल्प किया है उतने दिन तक देखिए आपको सात्विक भोजन करना है, मांसाहारी भोजन नहीं करना है, शराब गुटखा वगैरह बिल्कुल भी भूलकर भी नहीं खाना है। सबसे पहला नियम दोस्तों, आपको शिवलिंग का जलाभिषेक अवश्य करना है। आप अपनी इच्छा अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार देखिए पंचामृत से स्नान करवा सकते हैं, शुद्ध जल से कर सकते हैं, कई लोग देखिए गन्ने के रस से करते हैं, कई लोग दूध से, दूध केसर से कर सकते हैं। तो आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी मतलब चीज़ से आप जलाभिषेक अवश्य करें। और साथ ही देखिए, जो जलाभिषेक करने की जो विधि होती है, दोनों हाथों को मतलब लोटे को दोनों हाथों से पकड़ना है, और उसके बाद पतली सी धार ओम नमः शिवाय कहते हुए शिवलिंग पर अर्पित करनी चाहिए। दोस्तों, बहुत से लोग क्या करते हैं कि इकट्ठा ही जल मतलब शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं 2 मिनट में और पूजा करके आ जाते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं करना है, आपको बिल्कुल पतली सी धार करके ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए शिवलिंग पर जलाभिषेक करना है, और उतनी देर तक आपको ओम नमः शिवाय का उच्चारण करना है। दोस्तों, जितनी देर तक आप शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो भगवान शंकर उतनी ही आपसे प्रसन्न होते हैं। इसके साथ दोस्तों, भगवान शंकर की सबसे प्रिय जो बेल पत्र है वो अवश्य अर्पित करना चाहिए। आप 11 में, 21 की संख्या में, या 5 या 7 की संख्या में भी चढ़ा सकते हैं। और जो बेल पत्र होते हैं वो साफ़ सुथरे होने चाहिए, कटे फटे नहीं होने चाहिए, और उसकी चिकनी साइड आपको ओम नमः शिवाय लिखकर, जो जिस साइड आपने लिखा है उस तरफ शिवलिंग पर अर्पित करनी चाहिए। इस तरह से आपको शिवलिंग पर 21 बेलपत्र अवश्य अर्पित करने चाहिए। चाहे तो आप 21 बेलपत्र की सफ़ेद धागे से माला बनाकर अगर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों, आप जितने भी संकल्प करा है उतने बेलपत्र अवश्य अर्पित करें। इसके साथ दोस्तों, दूसरा है आंकड़े का फूल, यानी सफ़ेद आंकड़े का जो फूल होता है वो भी भगवान शंकर को बहुत ही प्रिय माना जाता है। अगर सफ़ेद आंकड़े के फूल की अगर आप 108 की जो फूल होते हैं उनकी माला बनाकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो भगवान शंकर बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको देखिए 108 ना मिले तो आप 21 की माला भी बना सकते हैं। अगर आपको सफ़ेद रंग के फूल ना मिले तो आप नीले रंग के फूल भी अर्पित कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों देखिए, पंचाक्षरी मंत्र का उच्चारण अवश्य करना चाहिए, यानी ओम नमः शिवाय का उच्चारण तो देखिए सभी करते हैं, लेकिन आपको एक संकल्प लेना है कि आप इस मंत्र का 21, 31 या 51 या 108 यानी एक माला का जाप तो अवश्य करें। आप अपनी इच्छा अनुसार जितने दिन का संकल्प करा है उतने दिन उतनी ही मात्रा में अवश्य करें, क्योंकि माना जाता है कि अगर सावन के महीने में 125,000 बार इस मंत्र का उच्चारण हो जाता है तो उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। साथ ही दोस्तों, आप अपनी इच्छा के अनुसार
एक मुट्ठी चावल भी भगवान शंकर पर अर्पित कर सकते हैं। और चावल कभी भी देखिए टूटा फूटा अर्पित नहीं किया जाता, हमेशा जो साबुत अक्षत होता है वही शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। ऐसे ही दोस्तों आप एक मुट्ठी गेहूँ भी शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। कहते हैं कि गेहूँ अर्पित करने से सुयज्ञ पुत्र की प्राप्ति होती है। साथ ही दोस्तों आपको एक नियम और लेना है कि आप देखिए दीपदान अवश्य करें सावन के महीने में, और दीपदान देखिए सूर्यास्त के बाद ही किया जाता है। आप संकल्प लें, जितने दिन का आपने संकल्प लिया है उतने दिन आप चाहे कितनी भी रात में आते हो तो आप शिव मंदिर अवश्य जाएं और वहां पर शिवलिंग के पास एक दीपक अवश्य जलाएं। दोस्तों अगर आप किसी कारणवश शिव मंदिर में नहीं जा सकते तो आप अपने घर में भी दीपक जला सकते हैं। आपको चाहे तो आप आटे का दीपक लें चाहे मिट्टी का लें, आपको नित्य प्रति नया दीपक लेना है। अगर आप घर में कर रहे हैं तो आप किसी भी धातु का भी ले सकते हैं, उसको आप डेली धोकर देखिए संध्या के समय आप अपने घर में दीपक तो जलाते ही होंगे, लेकिन उसके अलावा भी आपको शिव के नाम का एक अलग दीपक जलाना है। दोस्तों अगर इन नियमों में से अगर आप कोई सा भी नियम अपना लेते हैं तो यकीन मानिए सावन बीतने से पहले ही आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। और इन उपायों को आप सच्चे मन से पूरे विश्वास से करें। इनमें से कोई भी वस्तु, एक वस्तु आप नियमित रूप से संकल्प लेकर अगर भगवान शिवलिंग शिवजी पर अर्पित करते हैं तो यकीन मानिए आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य ही करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। आप सभी को